तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हों। AWS के फॉर्म निकल चुके हैं, आप सभी अभिभावक जानते हैं, सभी माता पिता जानते हैं चीज़ को। अब बात ही आती है कि हम अपने बच्चे का फॉर्म किस तरीके से भरें, कौन सी क्लास में भरें, बच्चे की सही उम्र क्या होनी चाहिए, किस क्लास के लिए बच्चा एलिजिबल है और किस क्लास में उसका नंबर आ सकता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ सिर्फ एक वीडियो में, और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ किस तरीके से इसके अंदर आप फॉर्म फिल करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में आपको गाइड करूँगा, और इस तरीके से गाइड करूँगा कि आपको आसानी से समझ में आ सके कि फॉर्म एक्चुअल में भरना किस तरीके से है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से इसकी शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका था हमारे पास 3 जनवरी में ही, जिसका ऐलान 10 फरवरी को कर दिया गया था, लेकिन 10 फरवरी को कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये फॉर्म नहीं फिल होकर लेकिन 10 फरवरी को कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो साइड है वो बहुत ही ज़्यादा लेट शुरू हुई, यानी कि इवनिंग में शुरू हुई है। साइड 8 बजे मैंने फॉर्म भरना चालू कर दिए थे लोगों के, तो इसमें जो है जो कि सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना चालू हो जाते थे, लास्ट ईयर हमने जो देखा है उसके हिसाब से ये जो साइड है वो बहुत ज़्यादा देर में चालू हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज जो हमारा दिन है वो नेक्स्ट डे है, मतलब कि 11 तारीख है। इस 11 तारीख में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बच्चे का EWS का और DG कैटेगरी का फॉर्म फिल करना है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कुछ कारण से अपने जो घर के कार्यक्रम थे उनमें अटका हुआ था, जिस वजह से कुछ वीडियोस मैं मिस कर गया, जैसे कि नोटिफिकेशन नहीं दे पाया EWS के रिगार्डिंग, लेकिन अब आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, आप चेक कर सकते हैं EWS और DG एडमिशन फ्री सिप लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही साइट हमने खोली तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर AWS एंड DG कैटेगरी फॉर सेशन 2023 और 24, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता है, प्लीज़ यूर एनी ब्राउजर एक्सपेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जानते हैं बहुत पुराना ब्राउजर है, जिसको यूज़ करने के लिए ये मना कर रहा है। आप इसे ऑनलाइन अपने मोबाइल की सहायता से ही फिल कर सकते हैं, और घर में लैपटॉप और कंप्यूटर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मोबाइल की सहायता से भी ईजिली फिल कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन बेसिकली हैं जो लोग भरते हुए आए हैं उन लोगों के लिए बेसिकली गाइडलाइन है। जो नए लोग हैं वो जाके इंस्ट्रक्शन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, और नहीं तो YouTube पे भी हिंदी और इंग्लिश में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र। अगर आप अपने बच्चे का नर्सरी, प्री स्कूल और क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। एक चीज़ का और ध्यान रहे, जिन लोगों ने पिछले साल या उससे पिछले साल फॉर्म भरे थे उन लोगों को भी इस साल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो लोग भी लॉगिन करके अपना फॉर्म नहीं भर सकते, उन लोगों को भी नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हर साल जिस तरीके से फॉर्म आते हैं उस तरीके से हर साल नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक नया आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है हर साल, और उसी के बिहार पे आप फॉर्म को इजीली भर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड हो गए हैं और किसी वजह से साइड आपकी सही से नहीं चल पा रही है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके जो आपके पास आईडी पासवर्ड आया है उसका ध्यान रख के लॉगिन पे क्लिक करके इजीली आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे है लास्ट आपका फॉर डिलीटेशन और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके फॉर्म में कोई भी ऐसी ऊंच नीचे हो गई है, जैसे कि आपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है, या आपने बच्चे का नाम गलत डाल दिया है, या मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो इस केस में आप अपने बच्चे का जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली बात करते हैं नए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वार्निंग के रूप में एक लाइन दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के बीच यदि जांच के समय कोई भी अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा, कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान आप सभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप भरते कुछ और हैं और डॉक्यूमेंट कुछ और शो कराते हैं जब आपके बच्चे का नाम आ जाता है लकी ड्रॉ में, तो ऐसे में स्कूल आपको एडमिशन नहीं देता है, ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आपकी मदद नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वही डाटा डालें जो आपके पास है, और जो आपके पास डाटा नहीं है उस डाटा को बिल्कुल भी ना डालें। अब थोड़ा सा नीचे आ गए हैं आप। सबसे पहले हमें क्लास चूज़ करनी पड़ेगी। क्लास हमें क्या चूज़ करनी है, जिस भी क्लास में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उसकी क्लास को आपको चूज़ करना पड़ेगा। नर्सरी और प्री स्कूल उन बच्चों के लिए होता है जिनकी उम्र 3 से 5 साल के बीच होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और KG और प्राइमरी की जो एज है वो 4 से 6 साल के बीच के बच्चों की होती है। अगर क्लास 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 7 साल होनी चाहिए। उम्र जो है बच्चे की वो काउंट की जाएगी 31 मार्च 2000
2023 के अनुसार, अगर 31 मार्च 2023 से पहले आपका बच्चा 5 साल या 4 साल या 3 साल जो भी है वो कंप्लीट होता है तो उतने साल का माना जाएगा। अगर 31 मार्च 2023 के बाद आपका बच्चा, जैसे कि आपके बच्चे का जन्म 10 अप्रैल का है, 10 अप्रैल 2017 या 2018 का है, मान के चलिए 2018 का जन्म है, तो आपके बच्चे की उम्र 5 साल काउंट नहीं की जाएगी। इस चीज़ का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एडमिशन आपको करके दिखाता हूँ जो कि है क्लास वन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम डाल देना, जो भी आपको बच्चे का नेम है, नाम वही डालें जो जन्म पत्र आधार कार्ड के हिसाब से, अपनी तरफ से जो आपने निक नेम रखे हैं वो नहीं डालें। फर्स्ट नेम, बच्चे का मिडल नेम, बच्चे का लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स का, किसी भी पेरेंट्स में से एक का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। नीचे की तरफ आके अब जो भी आपका जेंडर है बच्चे का, बच्चा मेल है फीमेल है, उसको आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, जो भी आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपके बच्चे के पास क्या है, तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड भी लगा सकते हैं अगर आपके बच्चे के पास जन्मपत्री नहीं है तो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। और नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पे आपको अपने इनकम डिक्लेयर करनी है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो साल की कितनी बनती है टोटल। तो जो भी आपकी इनकम है फैमिली की, 96,000, 90,000, 84,000, जितनी भी आपकी इनकम है वो आपको इनकम यहाँ शो करानी है। तो EWS के तहत अगर बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उनकी इनकम हमें मोर अधिकतर 1 लाख से नीचे या 1.5 लाख से नीचे होती है माता पिता की इनकम एक साल की, ठीक है, एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो DG कैटेगरी के हैं लोग, जो DG कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, वो बच्चे भी इनकम डालना नेसेसरी है, उन बच्चों को भी इनकम डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी इनकम एक सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि मैंने एक मान के चलिए 96,000 रुपये की इनकम डाल दी, माता पिता की 96,000 रुपये की इनकम है। अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप EWS से सेलेक्ट कर रहे हैं। EWS होता है दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इनकम ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और एक होता है DG कैटेगरी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे इन चीज़ों में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डाटा डालना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, SC ST OBC चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर और ऑल जेंडर लिविंग विद इफेक्टिव HIV, ठीक है, ये आपकी होगी DG हो गई। और यहाँ पे आपको DG का प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एविडेंस ऑर्फन और ट्रांसजेंडर ऑर्फन, ठीक है, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। सेम चीज़ नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जारी हो चुका है या अप्लाई कर चुके हैं उस चीज़ के लिए, और अप्लाई कर रखा है तो अप्लाई पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो अभी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, और यहाँ पे डेट डाल देनी है कि कब आपने अप्लाई किया था। सेम आपका इशू हो गया है तो इशू में आप यहाँ पे वही चीज़ें डालनी है, इशू सर्टिफिकेट नंबर और कब इशू हो चुका था, वो डेट हर सर्टिफिकेट के नीचे लिखी होती है। देन उसके बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका ID नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी जो ID है इस तरीके से नोट डाउन कर लेनी है, इसका मैसेज आपके फ़ोन पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, देन लॉगिन करना है, जो भी आपके पास ID पासवर्ड क्रिएट हुआ है इस तरीके से ID डालनी है, देन फिर इस तरीके से आपको पासवर्ड डालना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स, जो आपने बेसिक डिटेल भरी है, वो सारी खुल के आ जाएगी। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है हल्का सा। अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहले ब्लैंक ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा बच्चे का आधार नंबर। सबसे पहले बच्चे का आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, देन सब अपने बच्चे की जो माता का नाम है वो यहाँ पे डालना है, बच्चे की माता के पास कोई मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, बच्चे की माता का आधार कार्ड नंबर डालना है, सेलेक्ट प्रोफेशन करना है। प्रोफेशन में अगर आप प्राइवेट जॉब करती हैं, उनकी मदर कोई प्राइवेट जॉब करती है तो वो चूज़ कर सकते हैं, और हाउस वाइफ हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ अदर काम करती हैं तो अदर ऑप्शन पर क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं। मैं हाउस वाइफ डाल देता हूँ, यहाँ पर मोर देन हाउस वाइफ रहती हैं। यहाँ पे फादर नेम डाल देता हूँ, फादर का मोबाइल नंबर और यहाँ फादर का आधार कार्ड नंबर, ठीक है। यहाँ डालने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रोफेशन में क्या करते हैं, फादर आपके सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब करते हैं, या कोई अदर काम करते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट जॉब चूज कर लेता हूँ। देन नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है, जिस भी एड्रेस से आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालना है। उसके बाद आपकी विधानसभा कौन सी लगती है,
वो डालना मैंडेटरी है। अब दिल्ली की सारी विधानसभा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो भी आपकी विधानसभा लगती है वो विधानसभा आपको चूज करनी है। जैसे कि मैं एक विधानसभा चूज करके दिखा देता हूँ, मैं आपको रोहिणी की विधानसभा चूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने रोहिणी विधानसभा चूज की, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन रेजिडेंस एरिया लोकेलिटी सब लोकेलिटी या सब 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 लोकेलिटी खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको अपने जो भी आपका एड्रेस है वो नहीं मिलता है, सपोज कीजिए जो भी आपका एरिया है वो आपको नहीं मिलता है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी जो नियर बाई एरिया लग रहा है आपका, सबसे जो भी पास का एरिया है उसको चूज करके भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा वो एरिया नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा मिलेगा आपको रेजिडेंशियल एरिया लोकेलिटी सब लोकेलिटी सब सब लोकेलिटी डाटा, ठीक है। मतलब आपकी लोकेलिटी मिल जाए तो ठीक है, वरना सब लोकेलिटी जो नियर बाय मिल जाए वो ठीक है, वरना नियर बाय के बाद भी कोई और अगल बगल में आपकी ऐसी लोकेलिटी जो सबसे पास पड़ती है तो सब सब लोकेलिटी को भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी एक आपको डाटा चूज करना है, सपोज कीजिए कि मैंने सेक्टर यहाँ पे 9 चूज कर लिया, देन यहाँ पे मुझे पिन कोड डालना पड़ेगा यहाँ का, और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे मैं रेजिडेंशियल प्रेजेंट प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मदर 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 फादर और चाइल्ड इशू ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी डाटा मैं भर रहा हूँ उसे प्रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप प्रिव्यू पे क्लिक करेंगे देन आपके पास एक प्रिव्यू आ जाएगा आपका डाटे का, आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने डाटा भरा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके भी डाटा अपना चेक किया जा सकता है, ठीक है। अगर डाटा सही है तो सबमिट पे क्लिक करना, अगर सही नहीं है कोई दिक्कत लग रही है वेरिफिकेशन में, एक एक चीज़ को ध्यान से चेक करना, माताजी का नाम, बच्चे का आधार कार्ड नंबर, माता का आधार कार्ड नंबर, पिता का आधार कार्ड नंबर, ठीक है, अपना एड्रेस, हर चीज़ बारीकी से चेक करना, उसके बाद ही सबमिट करना। सबमिट पे ओके क्लिक करने के बाद स्टेप टू में आपके पास जो भी 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है वो आपको चूज करने पड़ेंगे। तो यही होते हैं आपके मेन स्कूल, इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, 0 से लेकर 3 किलोमीटर की रेंज वाले स्कूल ही सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल होते हैं जो कि आपके एरिया के नियर बाय आते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें, जो स्कूल हैं ये या हर किसी के अलग होते हैं, हर किसी का अलग मतलब जो भी जिसका एरिया है वो उसके हिसाब से स्कूल लोकेलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आता हूँ और मैं सारे स्कूल यहाँ पे चूज करने लगता हूँ। अब जो भी आपके सबसे जो आपको अच्छे स्कूल लग रहे हैं अपने एरिया के हिसाब से वो आपको देखने हैं, और यहाँ पे जैसे कि मैं मान के चलिए एक आ रहा है यहाँ पे किशन बिहार सूर्य पब्लिक स्कूल साबर डेयरी, तो जो भी आपके अच्छे स्कूल हैं आप उस पर कॉपी कीजिए और एड पे क्लिक कीजिए, ये एड हो जाएगा और लास्ट में आप आके इसे इन्हें चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए डाटा ऐड हो गया है, जो स्कूल नहीं समझ में आ रहा है कि गलती से ऐड हो गया तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो कि जितने मर्जी स्कूल ऐड कर सकते हैं। और तो यहाँ पे आप हम सबसे पहले स्कूल सेलेक्ट करने लग जाते हैं, इस तरीके से आप स्कूल ऐड कर लेंगे तो आपको सारी लिस्ट स्कूलों की यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगी। अब जो जिस स्कूल आपने ऐड करे हैं वो आप नीचे की तरफ आके चेक कर सकते हैं, जो स्कूल आपको ना समझ में है उसे वो डिलीट कर सकते हैं इसलिए डिलीट बटन पे क्लिक करके, देन यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको स्टेप 2 से स्टेप 3 पे ले जाएंगे, जो कि 3 से 6 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है कि आपको दूर के एरिया में पढ़ाना और स्कूल भी अच्छा होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसमें आप अपने स्कूलों को ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ ही स्कूल ऐड कर सकते हैं जो कि अगर ज़्यादा नहीं लगते आपको कि हाँ मैं इतना दूर बच्चे को भेजूं और सब स्कूल ना भरूं, कि कोई कॉमन कॉमन जो भी अच्छे स्कूल है उनको आप चूज कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं मैंने सेकंड ऑप्शन में कुछ ही स्कूल चूज करे हैं जो कि मुझे लगा कि लायक हैं, जिनमें अगर मैं बच्चे को दूर भेजता भी हूँ तो हाँ जिससे मेरे बच्चे की एक अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो मैं इसे सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आ गया फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इतना नेसेसरी नहीं है, 6 किलोमीटर से ऊपर कोई भी अपने बच्चे को जल्दी से स्कूल भेजना नहीं चाहेगा। हाँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल हो आप चूज कर सकते हैं, और आपका मन चूज करने का नहीं है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक हेयर इफ़ यू डोंट वांट अप्लाई एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब लास्ट आपका आ गया है स्टेप 4 से स्टेप 5, यहाँ पे स्टेप 5 फाइनल सबमिट एंड प्रिंट ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको अपने बच्चे की डिटेल देखने को मिलेगी। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे जब आप, तो डिटेल के साथ साथ आपको यहाँ पे जो भी आपने स्कूल फिल किए हैं सारे के सारे स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप इन सब चीज़ों से एग्री करते हैं तो आपको नीचे की तरफ आना है और टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है कि मैंने ये सब कुछ मेरी नॉलेज के बिहाफ पे है, और यहाँ फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है।
और इसे ओके कर देना है। देन आपके पास आपका एक प्रिंट बन के आ जाएगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की, आप चेक कर सकते हैं वाटरमार्क आ गया है आपके फॉर्म पे, ये फॉर्म आपका भर चुका है। अब ईजिली नीचे की तरफ आके इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।